क्या आपने कभी देखा है कि भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पिलाने पर पानी पी रही हो, भोग लगाने पर प्रसाद खा रही हो, इंसानों की तरह सांस ले रही हो, यही नहीं अपनी पलकें भी झपका रही हो? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको वो सब दिखाएंगे जो अभी अभी हमने आपको कहा। ये मैंने रबड़ के बनाए हैं स्ट्रेचेबल, और इन्हों में मैंने कोशिश करी थी जान डालने की, तो वो मैंने इनमें जान डालने की जो कोशिश की वो करा है मैंने इसमें। कितने दिनों से आप मेहनत? ये करीबन मुझको 8-9 महीने से मैं बना रहा हूँ। पहले भी कभी बनाए या पहले कभी नहीं बनाए, पहली बार बनाया। आइडिया कैसे आया आपके पास? ये आइडिया ऐसा है कि मैं भक्त था गणेश जी का, तो मैंने सोचा क्यों ना एक गाना सुना था भगत के बस में भगवान, तो उसमें कड़ी थी एक मूर्ति का दिल धड़क रहा था, अब डॉक्टर ने चेक किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोशिश करके देखता हूँ, उस आधार पर मैंने इस मूर्ति को बनाया है। तो आपकी इन गणेश जी की क्या ऊंचाई है, क्या है थोड़ा सा? ये 8 फुट की मूर्ति है, 10 फुट का इनका सिंहासन है, ये 10 फुट की है। तो मतलब इसमें क्या क्या खासियत है आपके, मतलब बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और इनकी सांसें चलती हैं, दिल धड़कता है। ये सारी मैंने इंसानी खूबियाँ देने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि अब मैंने ये मूर्ति को कहीं 11 दिन के लिए स्थापना देना चाहता हूँ, तो ये कहीं 11 दिन के लिए मुझे जगह मिल जाए किसी भक्त के माध्यम से। मैं इस समय रखने के लिए बहुत परेशान हूँ, कहीं मुझे जगह नहीं मिल रही है। तो ये गणेश जी को अगर किसी को देखना हो लाइव तो कैसे क्या तो दे सकते आज हैं? के हिसाब से जैसे मैंने इनको एक मोबाइल दे रखा है गणेश जी को, तो उनका एक नंबर भी है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है या बुजुर्ग है अगर इनके दर्शन करना चाहे तो वीडियो कॉलिंग से लाइव दर्शन कर सकता है। अजय पाथम ने भगवान श्री गणेश की इस प्रतिमा का निर्माण गणेश चतुर्थी पर पूजन करने के लिए किया है, लेकिन उनका कहना है कि उनका घर बहुत छोटा है, बाहर इतनी जगह नहीं है। अब वह आसपास के लोगों से मदद मांग रहे हैं कि उन्हें कोई जगह दे दे जहां पर गणेश चतुर्थी पर वह इस प्रतिमा की स्थापना करके पूजा अर्चना कर सकें, उत्सव मना सकें। इसके बाद अजय पाथम इस प्रतिमा का विसर्जन नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि इस प्रतिमा का मैं विसर्जन नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इस प्रतिमा की किसी मंदिर में स्थापना हो जाए या फिर किसी म्यूजियम में इसे रख दिया जाए ताकि लोग इस तकनीक को देख सकें और भगवान की पूजा अर्चना करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।